नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। प्रधानमंत्री मोदी के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने और पराली के मुद्दे पर भी किसानों की मांग मान लेने के बावजूद किसान आंदोलन अब भी जारी है, लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों। तो इस पर किसान नेता कहते हैं कि अब हमें MSP की गारंटी देने वाले कानून समेत अपनी दूसरी मांगें भी सरकार से मनवानी है। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई तो उसमें भी किसानों की 6 सूत्रीय मांगें निकलकर सामने आई थी। लेकिन एक सवाल जो अब आपके मन में भी जरूर आ रहा होगा कि आखिर जिन 3 कृषि कानूनों को काले कानून बताकर उनके विरोध में ये आंदोलन शुरू हुआ था, उनके खात्मे के बाद भी किसान नेता एक कदम भी पीछे हटने को क्यों तैयार नहीं है। इस किसान आंदोलन से देश के किसानों का कितना भला होगा ये तो पता नहीं, लेकिन इसके जरिए देश को तोड़ने के मंसूबे पालने वाली खालिस्तानी ताकतों को फायदा मिलता जरूर दिख रहा है। आंदोलन के सबसे बड़े झंडा बरदारों में से एक तथा कथित किसान नेता राकेश टिकैत के खालिस्तान प्रेम का पर्दाफाश हो गया है। जी हाँ, यूं तो इससे पहले कई बार इस आंदोलन के तार खालिस्तानी गुटों से जुड़ चुके हैं, लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई उसने राकेश टिकैत के चेहरे से किसान वाला मुखौटा उतारने का काम किया है। दरअसल राकेश टिकैत 22 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई एक बैठक में खालिस्तानियों के साथ दिखाई दिए। इस बैठक की कुछ तस्वीरें ट्विटर पर वायरल हुई, जिनमें राकेश टिकैत के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पीटर फ्रेडरिक, डॉक्टर अय्याश खान, दलजीत कौर सोनी और खालिस्तान समर्थक धालीवाल नजर आ रहे हैं। ऑनलाइन हुई इस बैठक में किसान आंदोलन की आगे की रूपरेखा के बारे में योजना तैयार की गई। अब आपको बताते हैं कि ये खालिस्तान समर्थक मो धालीवाल और पीटर फ्रेडरिक आखिर कौन है। मो धालीवाल काव्य न्याय फाउंडेशन का निदेशक है। ये वही संस्था है जिस पर विवादित टूलकिट तैयार करने का आरोप लगा था। धालीवाल का नाम गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई ट्रैक्टर रैली की हिंसा में भी सामने आ चुका है। इससे पहले उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक विवादित पोस्ट भी किया था जिसमें उसने खुद को खालिस्तानी बताया था। 26 जनवरी को भी धालीवाल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो खालिस्तानी आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर भाषणबाजी करते हुए देखा गया था। अब धालीवाल के बाद पीटर फ्रेडरिक को भी जान लीजिए। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की जांच कर रही पुलिस की टीम को पीटर फ्रेडरिक के बारे में जानकारी हासिल हुई थी। पीटर पर किसान आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए टूलकिट बनाने का आरोप भी लगा था। यानी कि साफ तौर पर अब ये देखा जा सकता है कि राकेश टिकैत का मिलना जुलना भारत विरोधी खालिस्तानी लोगों से है। इस बैठक के बारे में खुलासा होने के बाद एक बार फिर राकेश टिकैत की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं कि वो किसान हित के लिए आंदोलन कर रहे हैं या फिर खालिस्तान हित के लिए। राकेश टिकैत पहले भी ये बात कह चुके हैं कि ये किसान आंदोलन 2024 तक चलेगा, और अभी हाल ही में उन्होंने केंद्र सरकार से धमकी भरे लहजे में कहा था कि सरकार अपना दिमाग ठीक कर ले, नहीं तो 26 जनवरी भी दूर नहीं है और 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की सीमाओं पर खड़े हैं। भारत विरोधियों के साथ राकेश टिकैत की बैठक का खुलासा हो जाने के बाद तो यही लगता है कि वे देश में अराजकता का माहौल फैलाकर एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराकर खालिस्तानियों के एजेंडे को परवान चढ़ाना चाहते हैं। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट। नमस्कार।